वेलकम बैक दोस्तों। मूवी का नाम है कलर फोटो और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है और यह मूवी रिसेंटली आहा प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई है। एक्चुअली इस मूवी के बारे में मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो खैर चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां पर एक शख्स किसी पोस्टर के सामने बैठकर रो रहा होता है और उस पोस्टर में एक लड़की की फोटो होती है कि तभी वहां पर एक कार आती है और जैसा लगता हो उस कार की वजह से इस शख्स का एक्सीडेंट हो चुका है। तो दूसरे सीन में अमेरिका में एक कपल को दिखाया जाता है, लड़की का नाम है दीप्ति और यह है इसका हस्बैंड चंदू। तो चंदू दीप्ति से ये पूछता है, क्या मैडम आज तो भी तुम जय कृष्णा से मिलवाओगी या नहीं? तो दीप्ति ना कहकर अपना सर हिलाने लगती है और उस वक्त दीप्ति किसी की डायग्राम ड्रा कर रही होती है। क्या तभी दीप्ति को उसका भाई कॉल करते रहता है लेकिन दीप्ति रॉन्ग नंबर कहकर कट करती रहती है। दो या तीन कॉल करने के बाद दीप्ति की भाभी दीप्ति को कॉल करके ये बताने लगती है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। ये सुनने के बाद दीप्ति की आंखों में एक बूंद आंसू तक नहीं आते। बाद में हमें पता चलता है कि दीप्ति के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, मतलब दीप्ति चाहकर भी रो नहीं सकती, उसका दिल उतना पत्थर बन चुका होता है। उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब हमको प्यार का मतलब क्या है ये क्लाइम में समझाने लगते हैं। हम जिसको भी प्यार करते हैं उनको ऊंची बुलंदियों पर रखना ही असली प्यार है, मतलब हमारे नजरिए में उनकी हैसियत हाई लेवल की होना चाहिए। तो खैर उसके बाद चंदू और दीप्ति ये दोनों अमेरिका से इंडिया आते हैं दीप्ति के फादर के अंतिम संस्कार करने के लिए। पहले तो दीप्ति अपने फ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम है पद्मजा और ये दोनों 7 साल के बाद मिलते हैं और दीप्ति कैजुअल से पद्मजा से कहती है कि मेरे फादर की मौत हो चुकी है, मतलब दीप्ति के अंदर दुख नाम का कोई चीज ही नहीं रहती। तो खैर पद्मजा भी दीप्ति के साथ चली आती है और ये है दीप्ति का भाई जिसका नाम है रामा राजू और जो दीप्ति के बगल में बैठी है वो है इसकी भाभी। यहाँ आने के बाद दीप्ति कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है, जैसा लगता हो ये कोई फंक्शन में आई हो। ये देखने के बाद रामा राजू दीप्ति को कुछ कहने ही वाला होता है, आसपास के लोग रामा राजू को रोक देते हैं। उसके बाद दीप्ति चंदू के पास आकर ये कहती है, मैं उसके घर के पास जाके आती हूँ, कुछ फोटोग्राफ्स लेना है ना। चंदू भी हंसी खुशी दीप्ति को बेस्ट ऑफ लक कहकर जाने देता है। तो रास्ते में दीप्ति पद्मजा को बताती है कि मेरे हस्बैंड को सारा सब कुछ पता है, हम हमारे दिल को तो छुपा सकते हैं लेकिन हमारे शरीर को छुपा नहीं सकते, उन्होंने मेरे बॉडी पर उस टैटू को देख लिया और मैं चंदू को सारा सब कुछ बता दिया। मेरी स्टोरी सुनने के बाद चंदू मुझे हौसला दिया और उसी तरह मुझे सपोर्ट भी किया। उसके बाद ये दोनों अपने कॉलेज की पुरानी यादें ताज़ा करते हुए किसी दुकान में जाकर सोडा पीने लगते हैं। तो उसी दुकान में एक कपल्स बैठे हुए रहते हैं तो ये दोनों किसी बात को लेकर झगड़ा करते हुए रहते हैं और दीप्ति इन दोनों की बातें सुन लेती है और उनके पास जाकर बैठ जाती है और दीप्ति उन दोनों से कहती है, लगता है तुम्हारी स्टोरी भी मेरी स्टोरी जैसी ही है, एक्चुअल से सबकी स्टोरी एक ही है लेकिन कुछ बदलाव होते हैं। तो इस तरह से दीप्ति उन दोनों को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। तो उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है 3000 दिन पहले, जहाँ पर हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है जय कृष्णा। जय कृष्णा एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है। वो सुबह सुबह उठ के अपने भैंसों से दूध निकाल के गांव में घर घर जाकर बेचने लगता है। सारा दूध खत्म होने के बाद जय कृष्णा बाद में कॉलेज को आता है। इसी कॉलेज में जय कृष्णा का अंकल वॉचमैन होता है। कॉलेज आने के बाद जय कृष्णा उन सारे बर्तनों को अपने अंकल को दे देता है धोने के लिए और बाद में वो कॉलेज में एंटर होता है। उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। पहले है हमारा हीरो जय कृष्णा और ये मैकेनिकल ब्रांच में है। उसके बाद है हमारी हीरोइन दीप्ति वर्मा और इसका ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। उसके बाद पद्मजा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में होती है। तो अब तक फिलहाल दीप्ति और पद्मजा दोनों फ्रेंड्स नहीं होते, मतलब ये लोग अभी अभी फ्रेशली कॉलेज ज्वाइन किया है। उसके बाद एक और मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है बाला और ये सिविल में है। नेक्स्ट है धर्मेंद्रा और उसके दो फ्रेंड्स और ये लोग सीनियर्स है। उसके बाद इस कॉलेज का प्रिंसिपल जिसका नाम है श्रीनिवासा रेड्डी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उसके बाद रोजा जो दीप्ति के ब्रांच में ही रहती है और पहले ही दिन इन दोनों में बहुत अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। उसी तरह जय कृष्णा और बाला ये दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और ये है जय कृष्णा का फादर। जय कृष्णा की माँ नहीं होती, किसी बीमारी की वजह से कई साल पहले उसकी माँ का देहांत हो चुका होता है। उसके बाद रामा राजू का कैरेक्टर दिखाया जाता है, मतलब दीप्ति के भाई का, जो कम्प्लीटली लव के अगेंस्ट होता है और रामा राजू एक पुलिस इंस्पेक्टर है। एक्चुअली ये लड़की रामा राजू के कॉन्स्टेबल की बेटी है और इस लड़की ने किसी लड़के से प्यार किया और रामा राजू ने उस लड़के का हार्ट तोड़ दिया, मतलब इस तरह से रामा राजू लव के अगेंस्ट होता है। बाला के फादर का एक फोटो स्टूडियो होता है। जब भी इसको टाइम मिलता बाला अपने स्टूडियो में काम करते रहता है। क्या तभी वहाँ पर एक कॉन्स्टेबल आता है और बाला को किसी की फोटो खिंचवाने के लिए उसे ले जाता है।
जब बाला यहाँ पर आता है तो बाद में पता चलता है कि इसको एक लाश की फोटो खींचनी है जो इसने कभी भी आज तक नहीं किया। जब बाला उस लाश को देखता है तो उसका सर चकराने लगता है और बाला वहीं पर बेहोश गिर जाता है, क्योंकि बाला को लाशों से बहुत डर लगता है और जब कभी भी इसके सामने कोई लाश आती है तो ये अपना रास्ता बदल लेता है। उसके बाद कॉलेज में जय कृष्णा, बाला और दो फ्रेंड्स अपने कॉलेज की लड़कियों के बारे में बात करने लगते हैं। मतलब ये लोग एक दूसरे में पूछने लगते हैं कि तुमको कौन सी लड़की पसंद आई, तुमको कौन सी ब्रांच की लड़की पसंद आई। जब ये चारों सिगरेट पीने के लिए माचिस ढूंढते रहते हैं तो इन लोगों के पास माचिस नहीं होती, जिसकी वजह से बाला जयकृष्णा को कॉलेज के टेरेस पर जाकर माचिस लाने के लिए भेजता है, क्योंकि इस कॉलेज के सीनियर्स वहीं पर अपना माचिस रखते हैं। तो जयकृष्णा उसी तरह उस कॉलेज के टेरेस पर जाता है कि तभी जयकृष्णा को भलक लग जाती है कि वहां पर सीनियर्स आ रहे हैं। तो जयकृष्णा अपने हाथ में चप्पल पकड़कर वहां से भागने लगता है। तो खैर जयकृष्णा किसी भी तरह करके सीनियर्स की आंखों से बचते हुए बाहर आ जाता है। तो उसी कॉलेज के एक रूम में दीप्ति और उसके फ्रेंड्स एक प्रोग्राम की रिहर्सल कर रहे होते हैं, जहाँ पर दीप्ति मातारानी का गेटअप पहनी हुई रहती है कि तभी जयकृष्णा की नजर दीप्ति पर पड़ती है। दीप्ति को देखकर जयकृष्णा के खड़े होने लगते हैं, मतलब रोंगटे। मतलब जब आप किसी अनोखी चीज को देखते हो तो आपको गूजबम्स आने लगते हैं। तो यही हाल होता है जयकृष्णा का भी। और पद्मजा दीप्ति को बताने लगती है तुम ही मातारानी का रोल प्ले करो, ये रोल तुम पर ही सेट होता है। मतलब थोड़ी देर पहले पद्मजा जिद करके बैठी थी कि वही मातारानी का रोल प्ले करेगी, लेकिन जब पद्मजा दीप्ति को उस रोल में देखा तो वो खुद इस तरह से दीप्ति को बताने लगती है। और यहाँ पर हमारा बंदा जयकृष्णा दीप्ति की पूजा करने लगता है, ये बात आप थोड़ा नोटेट कर लीजिए। और इस तरह से यहाँ पर एक क्यूट और स्वीट सॉन्ग प्ले होने लगता है और इसी सॉन्ग में कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जैसा जयकृष्णा अपने फेस को काफी सारे क्रीम्स लगाने लगता है गोरा होने के लिए। और ऐसा करते हुए जयकृष्णा का बाप जयकृष्णा को बताता है तुम कितना भी घस लो बेटा, भैंस कभी भी गाय नहीं बनती। और उसी तरह जब दीप्ति अपने कॉलेज जा रही होती है तो जयकृष्णा रास्ते में सुसु कर रहा होता है। मतलब इस तरह से इन दोनों का पहली बार सामना होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द सुसु इम्प्रेशन। और जिस दिन दीप्ति का बर्थडे होता है, दीप्ति के भाई ने उसके घर के बाहर दीप्ति का एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ रहता है, तो जयकृष्णा उस बैनर को उठाकर अपने घर लाता है। तो खैर एक दिन उस कॉलेज का प्रिंसिपल टेरेस पर जाता है कॉलेज को चेक करने के लिए, जहाँ पर धर्मेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है चुम्मा चाटी करते हुए। ये देख कर प्रिंसिपल धर्मेंद्र को खींचते हुए कॉलेज के बाहर लाता है और पूरी कॉलेज के सामने उसको पनिशमेंट देने लगता है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र बहुत ही इंसल्ट फील करने लगता है। और उसके बाद धर्मेंद्र ये सोच लेता है कि जिस तरह से मेरी कॉलेज में इंसल्ट हुई है उसी तरह से मैं हीरो बनना चाहता हूँ और मुझे हीरो बनने के लिए एक बकरा चाहिए। तभी वहाँ पर जयकृष्णा आता है सुसु करने के लिए। धर्मेंद्र और उसके फ्रेंड्स जयकृष्णा को देखकर डिसाइड होते हैं कि ये लोग जयकृष्णा को ही बकरा बनाएंगे। तो उसी दिन कॉलेज की एक रूम में दीप्ति और उसके फ्रेंड्स रिहर्सल करने के लिए अपने कपड़े बदल रहे होते हैं, तो उसी क्लासरूम से जयकृष्णा वहाँ से गुजरने लगता है। तो मौका देखकर धर्मेंद्र और उसके फ्रेंड्स जयकृष्णा को उसी रूम में ढकेल देते हैं, लेकिन जयकृष्णा अपना सर नीचे करते हुए उस रूम से बाहर आ जाता है और यही मौके का फायदा उठाकर धर्मेंद्र जयकृष्णा को मारने पीटने लगता है और उसे घिचते हुए कॉलेज के बाहर लाता है। जयकृष्णा धर्मेंद्र से बताने लगता है कि ये जानबूझ के उस रूम में नहीं गया, इसको किसी ने धक्का दिया। और ये चीज ऊपर से दीप्ति और उसके फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से जयकृष्णा और शर्मिंदा हो जाता है। तभी वहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल को देखकर धर्मेंद्र ज्ञान की बातें पहनने लगता है। तो खैर उसी दिन रात जयकृष्णा बिना अपने घर गए हॉस्टल आता है, क्योंकि ये बात इसके बाप को पता चली तो इसके फादर बहुत शर्मिंदा होंगे। और यहीं पर इनको ये बात पता चलती है कि ये सारा सब कुछ धर्मेंद्र और उसके फ्रेंड्स ने किया है। और यहाँ पर दीप्ति अपने भाभी से एक सवाल पूछने लगती है, क्या भाभी तुमने किसी से प्यार किया है या तो फिर तुमको किसी ने प्यार किया है। ये सुनने के बाद दीप्ति की भाभी दीप्ति को बताने लगती है कि प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्यार को निभाना बहुत मुश्किल का काम है। एक चींटी की उम्र तकरीबन 15 साल होती है, लेकिन हम इंसान उस चींटी को अपने उंगलियों के बीच में रोन देते हैं। इसी तरह का है प्यार भी, अगर प्यार सफल रहा तो सालों तक चलता है, वरना कई सारे चीजों के बीच कुचल दिया जाता है। लव मैरिज हो या तो फिर अरेंज मैरिज, शादी के बाद सारा सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। फर्क इतना है कि लव मैरिज में प्यार बहुत ज्यादा होता है, लव मैरिज में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, जैसा अरेंज मैरिजेस में होता है। मतलब इस तरह से दीप्ति की भाभी दीप्ति को प्यार और मैरिज के बारे में कुछ गहरी बातें बताने लगती है। उसके बाद दूसरे दिन प्रिंसिपल जयकृष्णा को अपने ऑफिस बुलाता है
और यहाँ पर दीप्ति और उसके फ्रेंड्स प्रिंसिपल को जो हुआ सारा सब कुछ सच बता चुकी होती है। यह सुनने के बाद प्रिंसिपल जयकृष्णा को सॉरी कहने लगता है और उससे वादा करता है कि अगली बार इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। और इसी तरह एक दिन प्रिंसिपल जयकृष्णा का एक स्पीच सुना था, जहाँ पर जयकृष्णा ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कुछ स्टूडेंट्स को स्पीच दिया था और प्रिंसिपल जयकृष्णा को एक वादा देता है कि जब कभी भी इस कॉलेज में स्पीच का प्रोग्राम हो तो मैं तुमको जरूर स्टेज पर बुलाऊंगा। तो खैर बाहर आने के बाद भी जयकृष्णा को वही बात सताने लगती है कि धर्मिंद्रा ने पूरी कॉलेज के सामने इसका इंसल्ट किया। दीप्ति और उसके फ्रेंड्स जयकृष्णा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जयकृष्णा इन लोगों से बिना बात किए साइड से जाने लगता है। तो इसी तरह से एक दिन पद्मजा और रोजा ये दोनों जयकृष्णा को रोक लेते हैं और जयकृष्णा से पूछने लगते हैं कि क्यों आप हमसे बात नहीं कर रहे हो। तो जयकृष्णा इन दोनों को बताने लगता है कि मेरी इज्जत पूरी कॉलेज के सामने गई है और आप चार लोगों के बीच में आके सॉरी कह देने से मेरी इज्जत वापस नहीं आती। अगर आपको सॉरी कहना ही था तो उस वक्त आप धर्मिंद्रा को रोक देते तो मेरी इज्जत तो बच जाती ना। ऐसा कहने के बाद जयकृष्णा वहाँ से चला जाता है। तो खैर उसी कॉलेज के एक प्रोग्राम में जयकृष्णा और बाला ये दोनों अपना अपना एक रोल कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग इसी की रिहर्सल कर रहे होते हैं। तो वहीं पर सीनियर्स भी होते हैं, मतलब धर्मिंद्रा के फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इन चारों के बीच तूतू मैमे हो जाती है और थोड़ी देर बाद जूनियर्स और सीनियर्स के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है और यही मौके का फायदा उठाकर जयकृष्णा धर्मेंद्रा से अपना बदला लेने लगता है, उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसी तरह जयकृष्णा धर्मेंद्रा की बहुत बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करने लगता है उसके ही फ्रेंड्स के सामने। तो हर इस तरह से जयकृष्णा और दीप्ति का फर्स्ट ईयर हो जाता है और इनके रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो दीप्ति कॉलेज फर्स्ट आने की वजह से जयकृष्णा के पास आती है और जयकृष्णा को एक छोटी पार्टी के लिए बुलाती है, लेकिन जयकृष्णा उस पार्टी को नहीं जाता। तो फिर दूसरे दिन दीप्ति जयकृष्णा के पास आती है और उसे पूछने लगती है कल क्यों तुम पार्टी में नहीं आए। जयकृष्णा दीप्ति से बताने लगता है कि कल मेरी गाय का डिलीवरी डे था तो मेरी गाय को हौसला देने के लिए मैं उसके पास रुक गया और मेरी गाय ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया, इसका नाम है लक्ष्मी, इसीलिए मैं आ नहीं पाया। तो खैर दीप्ति फिर से जयकृष्णा को लंच पर इनवाइट करती है। जयकृष्णा हाँ कहते हुए अपना सर हिलाने लगता है, लेकिन उस दिन जयकृष्णा लंच पर भी नहीं जाता। वो लंच को जाने के बजाय बस स्टॉप पे आकर बस का वेट करते हुए रहता है कि तभी वहाँ पर दीप्ति आती है और दीप्ति को देखकर जयकृष्णा इधर उधर जाने लगता है। जयकृष्णा दीप्ति से पूछने लगता है आपको कैसे पता चला कि मैं बस स्टॉप पे हूँ। दीप्ति कहती है तुम्हारी साइकिल को मैंने ही पंचर किया और ऑफ कोर्स जिसके पास साइकिल नहीं वो बस का रास्ता पकड़ेगा और वैसे भी तुम क्यों नखरे दिखा रहे हो, मैंने अब तक तुमको 3 बार इनवाइट किया और तुमने हाँ कहकर आए भी नहीं। अगर तुमको आना पसंद नहीं तो ना कह देते, इस तरह के किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ सुनने के बाद जयकृष्णा दीप्ति को रोक देता है और अपने जेब से स्वेट्स निकालकर अपनी आंखों में पहन लेता है और दीप्ति से अपने फीलिंग्स जाहिर करने लगता है। मतलब जयकृष्णा ने इमेजिनेशन किया था कि इन दोनों की मुलाकात किसी बीच पे होगी, इनके पैरों के नीचे समंदर की रेत होगी और इनकी आंखों के सामने समंदर की लहरें होंगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहेगी। इस तरह से जयकृष्णा दीप्ति से मिलने को प्लान किया था, लेकिन इनकी मुलाकात एक पिटाई से हुई। ऐसा कहते हुए जयकृष्णा रोने लगता है, इसीलिए जयकृष्णा ने अपने जेब से स्पेट्स निकालकर पहन लिया था। मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही क्यूट और स्वीट कन्वर्सेशन चलते रहता है और उसी तरह जयकृष्णा दीप्ति को ये भी बताने लगता है कि दीप्ति का जो बर्थडे बैनर था वो उठा के इसने अपने घर लाया ताकि जयकृष्णा दीप्ति की फेस को ना भूले। और दीप्ति जयकृष्णा से पूछने लगती है अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो मेरे सामने आकर क्यों नहीं बताया। तो जयकृष्णा दीप्ति को बताने लगता है अगर आप और मैं एक दूसरे के बगल में खड़े रहे तो लोगों को ऐसा लगता हो कि वो लोग एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे हो और मैंने आपको मेरी जिंदगी में बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपके सामने आकर आपसे कुछ बात करूं, एटलीस्ट मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने आकर आपसे नजरें मिलाऊं। मेरी हैसियत सिर्फ इतनी है कि मैं आपको दूर से देखकर अपने आप को तसल्ली दिलाता रहूं, यही मेरी हैसियत है। तो इस तरह से जयकृष्णा अपने अंदर की फीलिंग दीप्ति को बता रहा होता है कि सडनली दीप्ति जयकृष्णा को आई लव यू कह देती है और उसे फौरन हक कर लेती है। यह सुनने के बाद जयकृष्णा के इमोशंस लाजवाब देखने के थे। कदबी वहाँ पर बस आती है और दीप्ति उस बस में जाते हुए जयकृष्णा को बीच में मिलने के लिए बुलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस सीन को देखिए, मतलब बैकग्राउंड में जो पेंटिंग है उसको ऑब्जर्व कीजिए।
राधा कृष्णा की पेंटिंग है ना। तो खैर उसके बाद ये दोनों उसी बीच के पास मुलाकात करते हैं और यहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी फैमिली के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। जय कृष्णा दीप्ति से बताने लगता है कि इसके घर में इसके फादर है, इसकी माँ नहीं है, और उसी तरह इसके घर में दो भैंस और एक गाय है जो रिसेंटली इसकी गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। और इसी बातों ही बातों में ये दोनों अपने लव रिलेशन में एक रूल रखते हैं, वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं ये बात तीसरे आदमी को नहीं पता चलेगी, ये बात इन दोनों में ही रहेगी। जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो जय कृष्णा दीप्ति से कहता है आप जब चाहे तब हमारे अंकल के घर के पास मत आया करो, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। यह सुनने के बाद दीप्ति कहती है अगर कॉलेज में नहीं मिले तो कहाँ मिले बे। तो जय कृष्णा यहाँ पर शाहरुख खान का डायलॉग दीप्ति को सुनाने लगता है किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो वो चीज खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। तो यहाँ पर फिर से एक बहुत ही क्यूट और स्वीट लव सॉन्ग चलता है। जय कृष्णा माचिस का डब्बा लेकर एक फोन तैयार करता है जो हमें बचपन में खेला करते हैं ना। जय कृष्णा ऊपर टेरिस पर होता है और दीप्ति नीचे अपने क्लास में होती है। इस तरह से ये दोनों अपने स्मार्टफोन से एक दूसरे से बात करने लगते हैं और उसी तरह जब कभी भी इन दोनों को मिलना होता है तो ये दोनों फिर से उसी बीच के पास आते हैं मुलाकात करने के लिए। और एक दिन जय कृष्णा दीप्ति को अपने घर लाता है अपना घर दिखाने के लिए, जहाँ पर पहले वो लक्ष्मी को दिखाता है मतलब उस छोटी गाय को। उसके बाद जय कृष्णा दीप्ति को अपनी माँ की फोटो दिखाता है। ये देखकर दीप्ति जय कृष्णा से बताने लगती है कि तुम्हारी आँखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। और उस तरह से ये दोनों जय कृष्णा के घर के बाहर ऐसा पोज देते हुए खड़े हैं। तो खैर इसके बाद ये दोनों कॉलेज में फ्लेम्स खेलने लगते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के नाम को स्पेलिंग बदल कर फ्लेम्स करने लगते हैं। मतलब एक स्पेलिंग से लव नहीं आया तो दूसरी स्पेलिंग ट्राई करो, दूसरी नहीं तो तीसरी। उसके बाद बाला को ये बात पता चल जाती है कि जय कृष्णा और दीप्ति का चक्कर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बाला को सिर्फ भलक होती है। लेकिन बाद में जय कृष्णा बाला को सारा सब कुछ बता देता है कि जय कृष्णा और दीप्ति ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और ये दोनों अक्सर मिला भी करते हैं। उसके बाद जय कृष्णा बाला से अपनी फोटो खींचने के लिए कहता है। जब बाला जय कृष्णा की फोटो खींचने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पावर ऑफ हो जाता है। उसके बाद जय कृष्णा अपने फोन की मदद से दीप्ति को ये बताने लगता है कि इसने दीप्ति के बारे में बाला को सारा सब कुछ बता दिया है और बाला दीप्ति से मिलना चाहता है। यह सुनने के बाद दीप्ति बहुत गुस्सा होती है और ये भी जय कृष्णा को बताने लगती है कि मैं भी मेरी एक सहेली को बता दूंगी और वो भी मेरे साथ कल मिलने के लिए आएगी। जब दूसरे दिन कृष्णा और बाला ये दोनों दीप्ति का वेट कर रहे होते हैं तो बातों ही बातों में बाला जय कृष्णा को उसकी फोटो देता है। तो बाला जय कृष्णा से पूछने लगता है आखिरकार तुमने फोटो क्यों खिंचवाई। जय कृष्णा बाला को बताने लगता है कि दीप्ति को मेरी फोटो चाहिए इसीलिए मैंने फोटो खिंचवाई। कि तभी वहाँ पर दीप्ति और पद्मजा आती है। दीप्ति को देखकर जय कृष्णा अपने जेब से स्पेक्स निकालकर पहन लेता है। यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा ना कि जब कभी भी जय कृष्णा दीप्ति से मिलता है तो वो स्पेक्स पहनकर ही रहता है, तो यही बात बाला भी जय कृष्णा को पूछने लगता है। तो जय कृष्णा बाला को जवाब देता है कि दीप्ति बहुत ही खूबसूरत लड़की है और मैं ठहरा काला कलौटा। जब मैं ये काले स्पेक्स लगाता हूँ तो दीप्ति मुझे काली नजर आती है और इससे मुझे पता चल जाता है कि मैं और दीप्ति एक ही लेवल के हैं और इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है और मैं दीप्ति से आंखों में आंखें डालकर बात करने लगता हूँ। तभी बाला की नज़र पद्मजा पर पड़ती है। पद्मजा को देखकर बाला के खड़े होने लगते हैं, मतलब रोंगटे खड़े होने लगते हैं, और बाला को भी पहली नजर में प्यार हो जाता है पद्मजा से। जब जय कृष्णा और दीप्ति ये दोनों प्राइवेटली बात करने के लिए साइड में जाते हैं, इसी दरमियान में बाला पद्मजा को कुछ जोक सुनाने लगता है। मतलब बाला पद्मजा को इंप्रेस करने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से किसी का जनाजा जाने लगता है और ऑफकोर्स बाला को लाशों से बहुत डर लगता है, तो बाला उस लाश को देखकर वहीं पर फ्रीज हो जाता है। तो एक्चुअली जय कृष्णा दीप्ति को अपनी फोटो देने के लिए यहाँ पर बुलाता है। जब जय कृष्णा अपनी फोटो निकाल कर देखता है तो उसमें सिर्फ दाते ही नजर आते हैं क्योंकि उस वक्त पावर ऑफ हो चुका था ना। और इस फोटो को देखकर जय कृष्णा को ही शक होने लगता है क्या ये मैं हूँ। तो ये चीज दीप्ति देखने से पहले जय कृष्णा उस फोटो को अपने जेब में रख लेता है और उसके बाद दीप्ति जय कृष्णा को अपना वो टैटू दिखाने लगती है। मतलब दीप्ति ने शॉर्टकट में जय कृष्णा का नाम अपने दिल पे लिखा है। ये टैटू देखकर जय कृष्णा बहुत गुस्सा हो जाता है और फौरन बाला को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरे दिन कॉलेज में दीप्ति जय कृष्णा को मना लेती है और ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अब कहीं बाहर नहीं जाते क्योंकि इन दोनों को पहरा देते हुए नीचे बाला और पद्मजा खड़े हुए रहते हैं। इस तरह से जय कृष्णा और दीप्ति ये दोनों कॉलेज के टेरेस पर ही मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन तभी धर्मेंद्रा का एक फ्रेंड इस चीज को देख लेता है। उसके बाद एक दिन इनकी कॉलेज में एक प्रोग्राम चलता है जहाँ पर एक अंग्रेज आदमी जिसका नाम है डॉन बॉस्को
वो इनकी कॉलेज को विजिट करने के लिए आता है। तो यहाँ पर जय कृष्णा प्रिंसिपल को उसका वादा याद दिलाने लगता है। मतलब उस दिन प्रिंसिपल जय कृष्णा से कहा था कि जब कभी भी तुम्हारी जरूरत हो तो मैं तुमको स्टेज पर बुलाऊंगा, और यही अपॉर्चुनिटी जय कृष्णा प्रिंसिपल से मांगने लगता है। लेकिन वो प्रिंसिपल जय कृष्णा को इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है, ये प्रोग्राम टीवी में आने वाला है और तुमने कभी तुम्हारा चेहरा आईने में देखा है? तुम्हें देखकर हमारे कॉलेज का रेपुटेशन खराब हो सकता है। तो स्पीच के दौरान डॉन बॉस्को पहले अपना स्पीच देता है और इसी तरह इंजीनियर्स की और कॉलेज की तारीफ करने लगता है। इसका स्पीच खत्म होने के बाद एक लेक्चरर स्टूडेंट्स को पूछने लगता है कि कोई स्टूडेंट स्टेज पर आकर अपना स्पीच देना चाहता है। यह सुनने के बाद जय कृष्णा अपना हाथ खड़ा करता है और प्रिंसिपल की बातों को इग्नोर करते हुए जय कृष्णा स्टेज पर जाकर खड़ा होता है स्पीच देने के लिए। और यहाँ पर जय कृष्णा तेलुगु में ही स्पीच देने लगता है। डॉन बॉस्को को लगता है कि जय कृष्णा इंजीनियर्स के बारे में स्पीच दे रहा होता है, लेकिन जय कृष्णा अपने स्टूडेंट्स को, अपने लेक्चरर्स को और उस घटिया प्रिंसिपल को ये बताने लगता है कि काला होने से कुछ भी नहीं होता, दिल साफ होना चाहिए, और ये बात हमारी सोसाइटी भूल चुकी है। और काफी सारी कैटेगरीज में कलर को देखकर डिसाइड किया जाता है कि किसे जॉब में लेना है और किसे जॉब में नहीं लेना। तो खैर, जय कृष्णा का बहुत लंबा स्पीच सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास बजाने लगते हैं। उसके बाद एक दिन दीप्ति का बर्थडे होता है और दीप्ति जय कृष्णा से बाहर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जय कृष्णा के पास उतना टाइम नहीं होता। इसीलिए ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों अभी के अभी कॉलेज में ही मुलाकात करेंगे। तो उसी तरह दीप्ति जय कृष्णा को एक कमरे में बुलाती है क्योंकि दीप्ति चाहती है कि जय कृष्णा पर्सनली दीप्ति को विश करे। लेकिन तभी धर्मेंद्र और उसके फ्रेंड्स बाहर से उस क्लास के दरवाजे को बंद कर देते हैं और फौरन वो तीनों प्रिंसिपल को बुला ले आते हैं। ये देखकर दीप्ति बहुत शर्मिंदा हो जाती है और उसी तरह जय कृष्णा भी। और उसी वक्त वो प्रिंसिपल जय कृष्णा के फादर को और दीप्ति के भाई को बुलाता है कॉलेज। मतलब इस तरह से रामराजू को दीप्ति के अफेयर के बारे में पता चलता है। और घर आने के बाद दीप्ति अपनी माँ से इसी के बारे में झगड़ा करने लगती है कि वो जय कृष्णा से प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। लेकिन ऑफकोर्स रामराजू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और रामराजू उसी वक्त प्रिपरेशन हॉलिडेज के नाम पे दीप्ति को विजयवाड़ा भेज देता है अपने फ्रेंड के घर। और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को बहुत 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 मिस करने लगते हैं। दीप्ति उस ग्लास के दूध को टेबल पर डालती है और अपनी ओढ़नी से उस दूध को पोंछने लगती है। पोंछने के बाद दीप्ति उस स्मेल को स्मेल करने लगती है क्योंकि जय कृष्णा के पास भी यही स्मेल आया करती थी। मतलब इस कदर दीप्ति जय कृष्णा को मिस करती हुई रहती है। और यहाँ पर जय कृष्णा भी दीप्ति को बहुत मिस करने लगता है। वो हमेशा दीप्ति के बैनर के सामने बैठा रहता है। और यहाँ पर ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मतलब जब जय कृष्णा दीप्ति के बैनर के सामने बैठा हुआ रहता है तो वहाँ पर एक कार आती है और वो कार और किसी की नहीं रामराजू की होती है। रामराजू ने जय कृष्णा को मार पीट के किसी जगह पर लाता है और जय कृष्णा को उसकी औकात बताने लगता है कि तुम मेरी बहन के काबिल नहीं हो, तुम्हारी सूरत कभी आईने में देखा है? मेरी बहन कहाँ और तुम कहाँ? ऐसा कहते हुए रामराजू जय कृष्णा के सारे सर्टिफिकेट्स जलाने लगता है। मतलब रामराजू जय कृष्णा का करियर बर्बाद कर देता है। उसके बाद रामराजू जय कृष्णा को बिरयानी खिलाने लगता है और बातों ही बातों में रामराजू जय कृष्णा को बताने लगता है कि ये बिरयानी तुम्हारी लक्ष्मी का ही है। ये सुनने के देरी जय कृष्णा फौरन उस खाने को नीचे रख देता है और साइड में जाकर वॉमिटिंग करने लगता है। मतलब रामराजू ने जय कृष्णा के पास एक छोटा सा गाय का बच्चा था उसकी बिरयानी बनाई होती है। और फाइनली रामराजू जय कृष्णा को एक वार्निंग देता है, अगर तुमने मेरी बहन के आसपास भटका तो अगली बार तुम तुम्हारी पिताजी का गोश्त खाओगे, अब जाओ यहाँ से। हॉलिडेज खत्म होने के बाद दीप्ति अपने घर आती है और तब तक रामराजू दीप्ति के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के रखता है। अब चूंकि कुछ दिनों में एग्जाम्स आने वाले हैं तो दीप्ति हॉल टिकट लेने के लिए अपने कॉलेज जाती है, तो दीप्ति के साथ साथ उसका भाई भी जाता है फुल सिक्योरिटी के साथ। जब दीप्ति अपनी हॉल टिकट ले रही होती है कि तभी वहां पर बाला आता है और गाना गाते हुए इशारों से दीप्ति को बताने लगता है कि जय कृष्णा ऊपर टेरेस पर है। जब दीप्ति हॉल टिकट लेकर अपने घर जा रही होती है तो रामराजू से कहती है कि मुझे बाथरूम जा रहा है। बाथरूम का बहाना बना के दीप्ति टेरेस पर आती है और वहाँ पर जय कृष्णा होता है और ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और यहाँ पर जय कृष्णा दीप्ति को बताने लगता है कि हम अभी और इसी वक्त इस गांव से जा रहे हैं, तुम्हारे भाई के आंखों के सामने ही सारी की सारी कॉलेज हमारे साथ है, चाहे वो जूनियर्स हो या तो फिर सीनियर्स हो। सेम उसी तरह सारी की सारी कॉलेज रामराजू को घेरी हुई रहती है और सारे के सारे स्टूडेंट्स जय कृष्णा और दीप्ति की सपोर्ट में होते हैं। जय कृष्णा रामराजू के आंखों के सामने ही दीप्ति का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। रुकिए रुकिए, अभी मूवी खत्म नहीं हुई है।
तो इस तरह से दीप्ति उन कपल्स को अपनी स्टोरी सुना रही होती है और ये दोनों दीप्ति की लव स्टोरी सुनकर और दीप्ति की जीत सुनकर बहुत खुश होने लगते हैं और बहुत मोटिवेट भी होते हैं। उसके बाद दीप्ति और पद्मजा फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं और रास्ते में पद्मजा दीप्ति से पूछने लगती है, आखिरकार तुमने उन लोगों को अपनी झूठी स्टोरी क्यों सुनाई? तो दीप्ति पद्मजा से कहती है, इस वक्त उन दोनों को हौसला चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट चाहिए और मैंने अपनी झूठी कहानी सुनाकर उन दोनों को मोटिवेट किया है। और उसी तरह दीप्ति पद्मजा से कहती है, काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पर असली स्टोरी रिवील होती है। जब दीप्ति टेरेस के ऊपर आई थी जयकृष्णा को ढूंढते हुए, तो उस वक्त जयकृष्णा एक लकड़ी के सहारे से बहुत ही मुश्किल से स्टेप्स चढ़ रहा होता है। जयकृष्णा को देखकर दीप्ति फौरन जयकृष्णा के पास आती है और उसे सहारा देते हुए किसी जगह पर बिठाती है और जयकृष्णा जो कुछ हुआ वो दीप्ति को सुनाने लगता है। जिस दिन रामराजू ने जयकृष्णा को उसकी बाप की वार्निंग दी थी, तो जयकृष्णा रामराजू के पास आकर एक पंच मारता है तो रामराजू को और गुस्सा आता है, तो उसी गुस्से की हालत में रामराजू जयकृष्णा का एक पैर तोड़ देता है, मतलब जयकृष्णा को अपाहिज बना देता है। और दीप्ति अपने साथ जो हुआ वो जयकृष्णा को सुनाने लगती है कि इसके भाई ने इसको विजयवाड़ा भेज दिया इसके दोस्त के घर। वहाँ पर रामराजू का दोस्त बहुत ही कमीना निकला, वो जब चाहे तब दीप्ति के पास आकर गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। यही बात दीप्ति अपनी माँ को फोन करके बताई थी, लेकिन उसकी माँ ने दीप्ति की बातों पर भरोसा नहीं किया। उसके बाद जयकृष्णा दीप्ति को बताने लगता है, बस एक साल की दूरी थी, मैंने सोचा मैं मेरे स्टडीज कंप्लीट करके एक अच्छी सी जॉब हासिल करूँगा और उसके बाद मैं मेरे पिताजी को राज गद्दी पर बिठाऊंगा। इतने सालों तक मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन मैं ही मेरे पिताजी पर बोझ बन गया। थोड़ी दूर जाने के लिए भी मेरे पिताजी मुझे सहारा देते हैं। होना ऐसा चाहिए था कि मैं मेरे पिताजी का सहारा बनूं। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे का दुख बताकर रोने लगते हैं और ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं, जीते जी तो जीत नहीं सके लेकिन मर कर हम जीतेंगे, मतलब ये दोनों सुसाइड करने का सोच लेते हैं। और दूसरे ही दिन ये दोनों अपनी पुरानी प्लेस बीच के पास जाकर कीटनाशक दवा पी के बैठ जाते हैं। यहाँ आने के बाद दीप्ति जयकृष्णा से पूछती है, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो जयकृष्णा दीप्ति से कहता है, मैं एक आखिरी बार सिगरेट पीना चाहता हूँ। तो दीप्ति कहती है, मत पियो सोना, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो जयकृष्णा कहता है, हम कीटनाशक दवा पी के 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद दीप्ति अपनी आखिरी ख्वाहिश जयकृष्णा को बताने लगती है। दीप्ति ने किसी मूवी में देखा था, जब हीरो हीरोइन की ऐसी सिचुएशन आती है तो ये लोग एक दूसरे के गोद में सोकर अपने दिल में जो बातें हैं वो एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। तो इस तरह से पहले दीप्ति जयकृष्णा के गोद में सो जाती है और दीप्ति जयकृष्णा को पूछती है, तुम मुझे एक ऐसी बात बताओ जो तुमने अब तक मुझे नहीं बताई। तो जयकृष्णा दीप्ति को बताने लगता है कि मैंने आपको पहली बार माता रानी के रूप में देखा था और उस वक्त मेरे मन में भक्ति आई थी। क्या आप जानते हो दुनिया में प्योर रिलेशन और फीलिंग क्या है? वो है भक्ति। और मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपकी पूजा करता हूँ। लेकिन आज के दौर में भी कलर को देखकर डिफरेंशिएट किया जाता है। काफी सारे लोगों ने मेरे कलर को देखकर मुझे दया की नजरों से देखा है। और दीप्ति से पूछने लगता है, आप भी मुझ पर दया करते हो ना, मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? ये सुनने के बाद दीप्ति को बहुत गुस्सा आता है और फौरन जयकृष्णा के गोद से उठ जाती है। और इस बार जयकृष्णा दीप्ति के गोद में सो जाता है और दीप्ति जयकृष्णा को बताने लगती है कि जैसा तुमने मुझे देखा तो उसी तरह मैंने भी तुमको देखा जब तुम कॉलेज के रूम में किसी नाटक का रिहर्सल कर रहे थे और उस वक्त तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगे। मुझे तुम्हारी हंसी पसंद है, तुम्हारी आँखें पसंद है, तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद है। तुम इसे दया मत कहो जयकृष्णा, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह से दीप्ति अपने मन की बात जयकृष्णा को बता रही होती है, लेकिन पता नहीं कब जयकृष्णा की सांस रुक चुकी होती है। दीप्ति जयकृष्णा को उठाने की कोशिश करती है और उससे कहती है, जयकृष्णा प्लीज मेरी एक आखिरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, मुझे तुम पर दया नहीं है, प्लीज ये एक बात सुन लो मेरी। तो इस तरफ रामराजू बाला को उसी बीच लाता है और उसे मारने पीटने लगता है और जयकृष्णा दीप्ति का पता पूछने लगता है, लेकिन ऑफकोर्स बाला को कुछ भी पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद रामराजू की नज़र जयकृष्णा और दीप्ति पर पड़ती है और फौरन वो भागते हुए इन दोनों के पास आता है और इनको देखकर रामराजू को पता चल जाता है कि इन दोनों ने कीटनाशक दवा पी है। तो रामराजू फौरन अपनी बहन को गोद में उठाकर अपनी जीप में वहाँ से ले जाने लगता है हॉस्पिटल को। तो ये देखकर बाला भी जयकृष्णा के पास भागता हुआ आता है और ऑफकोर्स बाला को लाशों से बहुत डर लगता है। बाला जयकृष्णा की लाश देखकर अनकॉन्शियस होने लगता है और रोते हुए जयकृष्णा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जयकृष्णा कोई हरकत में नहीं होता। तो बाला जयकृष्णा को अपने खांदे में उठाकर वहाँ से जाने लगता है।
बाला जयकृष्णा को उसके फादर के पास लाता है और जयकृष्णा का फादर अपने नौजवान बेटे की लाश को देखकर घुट घुट के रोने लगता है और ये दोनों मिलकर जयकृष्णा को एक ठेले पर रखते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन तभी सडनली वहाँ पर जोर जोर से बारिश होने लगती है, मतलब एक तरफ हॉस्पिटल को जाने के लिए गाड़ी घोड़ा नहीं और दूसरी तरफ इतना तेज तूफान। ऐसा माहौल देखकर बाला अपना सर ऊपर उठाकर गॉड को ही गालियां देने लगता है और बाला फौरन जयकृष्णा के घर में जाकर एक चादर लाता है, लेकिन वो चादर नहीं होती, वो दीप्तिका बैनर होता है। तो इस तरह से ये दोनों जयकृष्णा की लाश को कवर करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर दीप्ति और पद्मजा ये दोनों एक्चुअल से जयकृष्णा के घर आते हैं। यहाँ आने के बाद दीप्ति जयकृष्णा के फादर से जयकृष्णा की फोटो मांगती है, लेकिन जयकृष्णा का फादर दीप्ति को बताने लगता है, मेरे पास मेरे बेटे की फोटो नहीं है बेटा, जब हमारा घर जल गया था तो सारे के सारे फोटोज जल चुके थे, लेकिन उस वक्त जयकृष्णा ने अपने कुछ सर्टिफिकेट्स और अपनी माँ की फोटो को बचा लिया था। यह सुनने के बाद दीप्ति मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर दीप्ति को एक बात याद आने लगती है और जयकृष्णा के फादर को बताने लगती है, आपने जयकृष्णा की फोटो को हार पहनाया हुआ रहता है ना, वो फोटो दे दीजिए प्लीज एक बार। ऐसा कहते हुए दीप्ति जयकृष्णा के घर में जाती है और पद्मजा जयकृष्णा के फादर से बालू के बारे में पूछने लगती है। जिस दिन जयकृष्णा की मौत हुई थी उसी दिन बाला पागल हो चुका था और पता नहीं गाँव में कहाँ कहाँ भटकते हुए रहता है। यहाँ पर जब दीप्ति उस घर में जाती है तो वो नजारा देखकर दीप्ति टूट के बिखर जाती है, वो जोर जोर से घुट घुट के रोने लगती है। मतलब दीप्ति उतने दूर से जयकृष्णा की फोटो लेने के लिए आई है, लेकिन एट लास्ट जयकृष्णा की फोटो ही नहीं मिलती, तो दीप्ति जयकृष्णा की शर्ट को अपने गले से लगा लेती है और उस शर्ट को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद सीन फिर से 2 महीने बाद शिफ्ट होता है जहां पर फाइनली दीप्ति जयकृष्णा के डायग्राम को ड्रा कर चुकी होती है, मतलब जो मूवी की स्टार्टिंग में दीप्ति ड्रा कर रही थी वो और किसी की नहीं जयकृष्णा की पेंटिंग ही होती है। और जयकृष्णा की कलर फोटो देखकर चंदू दीप्ति से पूछने लगता है, तुम्हारे पास जयकृष्णा की फोटो नहीं थी तो तुमने जयकृष्णा की पेंटिंग कैसे की? तो दीप्ति चंदू से कहती है, जयकृष्णा की आंखें बिल्कुल उसकी माँ की तरह है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जयकृष्णा की कलर फोटो ड्रा की है। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। हाँ मुझे पता है वीडियो लंबी हो चुकी है, क्या करूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।